हेलो एवरीवन क्लास थर्ड सेमेस्टर टू पेज नंबर टू हंड्रेड द नेम ऑफ द चैप्टर इज अर्ली ह्यूमंस. डियर स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे टूल्स टूल्स यानी उपकरण अर्ली ह्यूमंस फेल्ट द नीड ऑफ टूल्स फॉर द पर्पस ऑफ हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स एंड फॉर डिगिंग आउट प्लांट्स दे यूज सिंपल स्टोन्स विथ शार्प एजेस टू हंट एनिमल्स डी स्टूडेंट्स टूल्स यानी उपकरण डी स्टूडेंट्स हमारे पास क्या क्या है टूल्स देखिए यहां पर है ना एक्स है हमर है गन है है ना क्या आदि मानव के पास ये सारे थे नहीं उनके पास सिंपल टूल्स थे डियर स्टूडेंट्स आदि मानव कहाँ रहते थे जंगल में रहते थे वे एनिमल्स को हंटिंग करते थे और उनके मीट खाते थे डी स्टूडेंट्स हंटिंग करने के लिए उन्हें टूल्स की ज़रूरत होती थी है ना धीरे धीरे उन्होंने बहुत छोटा छोटा उपकरण हथियार यूज किए उन्होंने क्या हथियार यूज किए हम आगे पढ़ेंगे ओके लेटर दे स्टार्टेड शेपिंग देम टू शूट देयर पर्पस The first weapon that the early humans made was a club. Then, sharper weapons were made, which included hammers, choppers, and axe heads. Later, it was realized that if a stone was tied to a long piece of wood, it could be thrown at an animal. This helped them. टू हंड एनिमल्स विथआउट गोइंग नियर दैम सिंस मोस्ट ऑफ द टूल्स वे आर मेड ऑफ स्टोन्स दिस एज वॉज कॉल्ड द ओल्ड स्टोन एज डियर स्टूडेंट्स आदि मानव कहाँ रहते थे जंगल में रहते थे यहाँ पर पिक्चर में देखिए वे जंगल में रहते थे और वे क्या खाते थे मीट खाते थे है ना एनिमल्स को मारते थे और उनका मीट खाते थे डियर स्टूडेंट्स उन्हें हंटिंग करने के लिए कुछ टूल्स की ज़रूरत हुई है ना? क्या उनके पास गन था क्या नहीं उनके पास कुछ भी नहीं था पहले उन्होंने पत्थर से उन्होंने टूल्स बनाया हथियार बनाया और सबसे पहले उन्होंने क्या बनाया डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले उन्होंने पत्थर का टूल्स बनाया पत्थर का उपकरण बनाया किसके लिए हंटिंग के लिए, लिए गड्ढा खोदने के लिए ओके यहाँ पर पिक्चर में देखिए डियर स्टूडेंट्स जंगली जानवर बहुत ख़तरनाक होते हैं है ना उन्हें हंटिंग करना इतना आसान काम नहीं है है ना उसे हंटिंग करने के लिए आदि मानव लोग क्या किए उस पत्थर को लकड़ी में बांधा यहाँ पर देखिए क्योंकि उन्हें दूर से मारना है पास जाकर उन्हें नहीं मरना है क्योंकि जंगली जानवर बहुत खतरनाक होते हैं डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए पत्थर का हथियार कैसे बनाया हुआ है देखिए है ना एरो है नाइफ है एक्स है हमर है है ना डियर स्टूडेंट्स ये सारे उपकरण किसके लिए बनाया गया था गड्ढा खोदने के लिए और हंटिंग करने के लिए है ना इसीलिए इस समय को क्या कहा जाता है ओल्ड स्टोन एज कहा जाता है ओके okay?